जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द जेमिनाई साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। ओके, फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल, योर इमोशंस आर ओवरफ्लोइंग। आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है रिलेशनशिप में। मे बी आपका जो रिलेशनशिप है इट्स गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, और पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है विद दिस पर्सन। और जो भी सिचुएशन है, वेदर यू आर मैरिड और वेदर यू आर सिंगल, आप किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जो भी है, बहुत ज़्यादा आपके मन में इमोशंस है इस पर्सन के लिए, ओवरफ्लोइंग, राइट? एंड जब भी सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने या यू कह लीजिए कि आपने अपने आप को आउटकास्ट किया हुआ है। कोई प्रॉब्लम तो है सिचुएशन में या इस लव ट्रायंगल में, मैं कहूँगी। एंड दिस इज़ गिविंग यू स्लीपलेस नाइट्स। जब आप इनके बारे में सोचते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। येस, बिकॉज हो सकता है कि जैसा कि मैं पहले बोल रही थी कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में, एंड आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, फील करते हैं। हो सकता है इस पर्सन के मन में भी आपके लिए कहीं थोड़ी बहुत फीलिंग्स हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मुझे लगता है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, और उन्होंने अपने आप को आउटकास्ट किया हुआ है। येस, बिट्रेयल, मुझे ऐसा लगता है सेंस ऑफ बिट्रेयल। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया हो, राइट? लाइक उन्होंने लाइक अपने आप को आउटकास्ट कर लिया हो। सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हो, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो, और आप ऐसा फील कर रहे हो कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। हालांकि आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार अभी भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि दैट यू हेट देम, नो यू डोंट, बिकॉज वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही। लेकिन आप जो भी कुछ हुआ फिर भी आप उनको पसंद करते हैं। यू हैव इमोशंस बिकॉज वी हैव कप्स, बट वी हैव बिट्रेयल टू, वी हैव सोर्ड्स एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी भी लाइक आपसे शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, कि बात नहीं कर रहे या कम कर रहे हैं, या किसी ने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है, खींच के रखा हुआ है, और ये आपके लाइक बिट्रेयल का। मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन है, दे आर लाइक, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है दे आर वेरी चार्मिंग, गुड लुकिंग, एंड मोर ओवर एक और चीज़ भी लगती है कि उनको लाइमलाइट में रहना पसंद है। हो सकता है बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हों, या और हो सकता है ये चीज़ उनको पता भी हो, एंड दे लाइक इट कि लोग उनके पीछे आते हैं, एंड हो सकता है कि बहुत सारी ऑप्शंस भी हों उनके लाइफ में। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, और स्टिल लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की सिचुएशन अभी भी ऐसे ही है, लाइक सॉर्ट ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट या तो एंड हो चुकी हैं या चीज़ें, या ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, बट स्टिल कहीं आपने कोने में इमोशंस दबा के रखे हुए हैं। स्टिल यू डोंट हेट देम, मुझे ऐसा लगता है। इफ़ यू डोंट लव देम देन मुझे ऐसा लगता है कि आप हेट भी नहीं करते उनको, पर इमोशंस हैं, मुझे तो दिख रहे हैं। बाकी हर किसी की स्टोरी अपनी है, बहुत सारे लोग होते हैं, सो सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, राइट? सो अपनी अपनी सिचुएशंस है, बट जहाँ तक मुझे आपकी सिचुएशन दिखाई दे रही लव सिचुएशन, तो यही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल। करियर वाइज आपके लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है? ओके, कोई बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, या मे बी हो सकता है देयर इज़ समथिंग। देखिए,
मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सोच रहे हैं, कुछ एनालाइज कर रहे हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ आप एंड अप करने के लिए सोच रहे हों, या कोई बिगिन करने के लिए सोच रहे हों और आपको समझ नहीं आ रहा। काम तो आप कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग गुड, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें यू आर अचीविंग, राइट। लेकिन फिर भी एक सेंस है कि कहीं आप सोच रहे हैं कि क्या इसको मैं बढ़ाऊँ या मैं इसको इस काम को थोड़ा सा कम कर दूँ और उस चीज़ को बंद करके दूसरी चीज़ स्टार्ट कर लूँ। तो मुझे ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है। एंड मोर ओवर आप येस यू आर लाइक इंथूसियास्टिक, आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा इंथूसियास्टिक है, उसमें आप कोई भी मैं ये कहूँगी कि कमी नहीं छोड़ते हैं और इग्नोरेंट नहीं होते हैं अपने काम को लेके, उसमें आप पूरा 100% मुझे ऐसा लगता है देते हैं। एंड यू आर डूइंग गुड फॉर ऑल द जेमिनी पीपल, मुझे ऐसा लगता भी है। येस आप हो सकता है ट्रैवल को लेके कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, या यूँ कह लीजिए कहीं ट्रैवल आप करना चाह रहे हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि शुड आई गो फॉर दैट और शुड आई डू दैट, ये चीज़ हो सकता है आपके माइंड में कहीं आ रही हो। फॉर ऑल द जेमिनी पीपल इस हफ्ते मुझे यही नज़र आ रहा है। एंड मुझे तो ऐसा ही कोई काम लगता है, मे बी आप कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे आपके अंडर कोई लोग काम करते हैं एंड यू आर लाइक बॉस, या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, या दो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। या तो कुछ एंड करना है, या आप सोच रहे हैं कि इसको कैसे इसको किया जाए, या तो इसको बंद करके लाइक एक ही काम में फोकस किया जाए, या फिर आप सोच रहे हैं समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, सो उस चीज़ की वजह से आप क्रॉस रोड्स पे हैं। ये स्टोरी आपकी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। नाउ लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल यू पीपल? ओपन अप योर हार्ट स्पेस, यू नीड टू हील योर सेल्फ फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। देखिए अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप ये रिलेशनशिप ख़त्म कर चुके हैं, पहले आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं, अगर तो ऐसा है देन आपको यू नो क्रॉस रोड्स पे आप नहीं रह सकते, या तो इस तरफ या तो उस तरफ आपको छोड़ना पड़ेगा। और जब कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो कम्प्लीटली सरेंडर कर देना चाहिए और अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप को हील करेंगे आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कहीं कुछ थम गया है, कहीं कुछ आप ओवर थिंक कर रहे हैं, राइट। एंड कभी कभी मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं क्योंकि आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ, सो मे बी ये रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा क्लोज। मुझे स्पेशली दिखाई दे रहा है कि आपको हील करना है, अपने आप को, अपने हार्ट चक्रा को खोलना है। यू नीड हीलिंग, देन वी हैव सेलिब्रेशन, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। देन वी हैव माइज़र, माइज़र का क्या मतलब है? डोंट अपने आप को इतना क्लोज ऑफ मत कीजिए लोगों की वजह से, जो हो गया सो हो गया। इन बोथ केसेस यू हैव टू लेट गो। अगर कोई नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में वापस, अगर किसी ने आपको चीट किया है तो भी आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। और अगर आप इस पर्सन को स्टिल कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि कई लोग करते हैं, तो भी आपको हील होने की ज़रूरत है, तो भी आपको अपने आप को उनको लेट गो करने की ज़रूरत है और अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है इन बोथ केसेस। एंड अगर काम की बात करें अगेन, यस अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे तो मुझे लगता है आपके काम से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगेन वी हैव क्रॉस रोड्स, तो दो जगह मुझे ऐसा लगता है कि दो जगह आप दो नाव में सवार नहीं हो सकते, एक चीज़ को आपको मैनेज करना होगा। हो सकता है इस चीज़ की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो यू नीड टू थिंक कि क्या है ऐसा जो आपको डिसाइड करना है, या कुछ है ऐसा जो, सो एनीवेज मुझे ऐसा लगता है आप कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लेंगे। एंड डोंट बी अगेन, हमारे पास सेम वही कार्ड है, अगर मनी को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, या मे बी हो सकता है कभी कभी हम लोग थोड़े से ग्रीडी हो जाते हैं, डोंट माइंड माई वर्ड्स, आई एम गेटिंग दिस, तो मैं आपको बोल रही हूँ, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं या कभी कभी जेलिस्ट हो जाते हैं, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा गिव अप करने की ज़रूरत है और अपने हार्ट चक्रा को खोलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जेनरस होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कंपैशनेट होने की ज़रूरत है, और लाइफ आपको बहुत चांसेस देगी सेलिब्रेट करने की जब आप अपने आप को खुद बैलेंस कर लेंगे और सेलिब्रेट करेंगे ईच एंड एवरी डे ऑफ लाइफ। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।